The formation of the complex MLN may also be expressed by the following steps and equilibrium constants. हमने ये टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट देखा है स्टेप वाइज फॉर्मेशन में, जिसमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स क्या है, K1, K2, तो और एक वे है जिससे स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये है जिसमें मेटल लिगेंड की एडिशन हो रही है फर्स्ट स्टेप में, और ये इसका β1 इसका क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है. दूसरे स्टेप में कैसे होगा, मेटल एज इट इज रहेगा, इसमें एट द सेम टाइम टू लिगेंड्स ऐड हो रहे हैं, Ml2 तैयार हो गया, ये इसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट. तीसरे स्टेप में मेटल एज इट इज है एंड नंबर ऑफ, ये स्टेप में 3L लिगेंड, इस स्टेप में 4L लिगेंड, ऐसे लिगेंड की एडिशन होती जाएंगी सिंगल मेटल में और उसका कॉम्प्लेक्स तैयार होते जाएगा, और ये β1 β2 ये सब क्या है, कॉल्ड ओवरऑल और क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स. द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग स्टेप. ये स्टेप, ये जो फॉर्मेशन है उसको हम ओवरऑल फॉर्मेशन बोलते हैं. दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, दैट इज स्टेप वाइज. द स्टेप वाइज में लिगेंड स्टेप, हर एक स्टेप में लिगेंड की एडिशन होती जा रही थी, और ओवरऑल फॉर्मेशन में ये टाइप में एडिशन होती जाएंगी, और इसको जो है β1 β2 ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसको ओवरऑल और क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स हम कह सकते हैं. अब β n ये इज टर्म एज nth ओवरऑल और क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं. With a few exceptions, the value of successive stability constants decrease regularly from K1 to Kn. अभी यहाँ K1 to Kn ये stability constants हमको मिल रहे हैं, तो इनकी value क्या होती जाएगी, successively decrease होती जाएंगी, जैसे जैसे complex का formation होता है ये value decrease होती जाएगी, जैसे कि K1 फिर K2 में और डिक्रीज, K3 में और डिक्रीज, और लास्ट में जब Kn आएगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द डाटा फॉर द Cd2NH3 सिस्टम. ये मेटल लिगेंड सिस्टम है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू किस स्टेप से डिक्रीज होती जाती है. देखो Cd2+ NH3 ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है K1 इज इक्वल टू 10^2.65. सेकेंड स्टेप, ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है इसमें और एक लिगेंड दैट इज NH3 ऐड होते जा रहा है. ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया ना, ये मेटल ये लिगेंड है, इसका एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया फर्स्ट स्टेप में. ये कॉम्प्लेक्स प्लस एक मोर क्या लिगेंड ऐड होते जा रहा है, जैसे ये हम स्टेप वाइज देख रहे हैं, तो स्टेप वाइज में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स और एक लिगैंड, सो ये कॉम्प्लेक्स एंड ये एक लिगैंड, तो इसमें जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है ये K1 से क्या आ रही है, कम आ रही है, ये 10^2.65 है, 10^2.10 है. देखिए हर एक स्टेप में 10^1.44, 10^0.93 ये कम होती जा रही है, ठीक है, ये सब वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है, मीन्स वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की. इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है. तो ये है स्टेप वाइज कांस्टेंट्स, और ये लास्ट में जो मिल रहा है वो क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट. ये सब स्टेप्स की एडिशन करके ये सब मिलता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में. द स्टेडी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ K1 K2 एंड Kn विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लिगैंड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एज मोर एंड मोर लिगैंड्स मूव इनटू द कोऑर्डिनेशन जोन लेस एंड लेस एक्वा मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल टू फ्रेश लिगैंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. ये K1 K2 ये स्टेबिलिटी वैल्यू, ये जो है कॉन्स्टेंट्स, इसकी वैल्यू क्यों डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हर एक स्टेप में एक नया लिगैंड एड होते जा रहा है, सो न्यू जो एक्वा मॉलिक्यूल्स है फॉर द एक्सेप्शन ऑफ लिगैंड्स या रिप्लेसमेंट ऑफ लिगैंड्स के लिए, उसकी जो अवेलेबिलिटी वो क्या है, कम होती जा रही है. दैट्स वाई द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट वैल्यू आर डिक्रीजेस स्लोली. ठीक है, द हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स आयन द ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी
द ग्रेटर विल बी द इट्स स्टेबिलिटी. तो वो स्टेबिलिटी, वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, उस ज़्यादा रहेगी. जिसके स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. तो ये सब है स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स.